हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है डू एंड डज। तो डू एंड डज का यूज कहाँ पर होता है? पॉजिटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कहाँ पर और किस तरह से हम इसको यूज करते हैं, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो क्लास वन से ये टॉपिक स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे इसके बारे में नॉलेज और बढ़ती जाती है बच्चों की। बट बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले होता है एक हमारा वर्ड डू और एक वर्ड होता है हमारा डज। तो डू किस किस के साथ यूज करते हैं हम? सबसे पहले बच्चों को एक चीज बताइए, कभी भी दोनों को एक साथ मिक्सअप मत करिए, क्योंकि स्टार्टिंग में इस टाइप्स के वर्ड में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर हम लोगों को लगता है, पेरेंट्स को लगता है कि ऐसा क्या हो गया, ये तो इतना सिंपल टॉपिक है। जब भी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज हम लोग ही उन्हें कर देते हैं, इसीलिए वो कंफ्यूज होते हैं। अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पेशेंसली उनको समझाएंगे, तो उनका ही कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। तो डू, तो सबसे पहले डू के बारे में उन्हें बताइए कि आई के साथ हम डू यूज करते हैं, तो फिर उससे कोई सेंटेंस बताएंगे उन्हें। वी के साथ हम डू का यूज करते हैं, यू के साथ हम डू का यूज करते हैं, दे के साथ हम यूज करते हैं डू का। तो सबसे पहले ये चार वर्ड्स उनको लर्न कराइए। ये चारों वर्ड्स हमारे प्लूरल वर्ड्स होते हैं, आई वी यू एंड दे। तो ये चार वर्ड्स हमें उनको लर्न कराने हैं और उनको ये बताना है कि इन चारों वर्ड्स के साथ हमारा डू यूज होता है। जैसे कि आप उनको इस तरह से बोल के समझा सकते हैं, आई डू, वी डू, यू डू, दे डू। तो ये क्या है, उनको बोलना आ जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और उनको वर्ड्स इजीली लर्न हो जाएंगे कि आई के साथ क्या होता है डू, वी के साथ क्या होता है डू, यू के साथ क्या होता है डू, दे के साथ क्या होता है यूज डू। इसके बाद आता है हमारा प्लूरल नाउन। तो बच्चों को नाउन टॉपिक समझा दिया जाता है जब भी डू एंड डस पढ़ाया जाता है उससे पहले। तो आई होप बच्चों ने पढ़ा हुआ होगा ये टॉपिक, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, बहुत अच्छे से उसमें समझाया हुआ है, काफी एग्जाम्पल के भी उसमें दिए हुए हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। बट एक बार मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ कि प्लूरल नाउन क्या होता है हमारा, एक से ज्यादा पर्सन की बात होगी, एनिमल्स की बात होगी, ठीक है, कोई भी थिंग की बात होगी, तो वो हमारा प्लूरल नाउन होता है, यानी मोर देन वन। जब भी हम एक से ज्यादा पर्सन की या किसी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो वहां पर भी हमारा क्या यूज होगा, डू, ठीक है। जैसे मॉम एंड डैड, तो दो जने हो गए, तो वहां पर हमारा क्या यूज होगा, डू। ब्रदर एंड सिस्टर, दो जने हो गए, तो यहाँ पर हमारा क्या यूज होगा, डू। मी एंड माई फ्रेंड, दो जने हो गए, तो जब भी दो या दो से ज्यादा लोगों की बात होगी तो वहां पर हमारा यूज होगा डू। तो सबसे पहले सिर्फ एक डू का कॉन्सेप्ट हमें बच्चों को क्लियर करके चलना है, उससे हमें उन्हें सेंटेंस सिखाने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में, मैचिंग की फॉर्म में, या जनरल हम घर में जो अपने बच्चों के साथ इंग्लिश बोलते हैं, तो हम सबसे पहले उनको डू का यूज ही सिखाएंगे। पहले डज का यूज आप बच्चों को मत सिखाइए, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है बट कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी। नेक्स्ट, जब ये थोड़ा सा वो समझ जाएंगे, जैसे कि आप थोड़े जब भी उनको पढ़ाते हैं घर पे तो पूछ सकते हैं यू, तो बच्चे को क्या बोलना है, डू, या फिर बच्चा आप बोलेगा आपसे यू और आप बोलेंगे डू, तो बहुत अच्छे से उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा डज। तो डज हमारा यूज होता है ही, शी, इट। सबसे पहले डज के लिए ये तीन वर्ड्स हम बच्चों को लर्न कराएंगे, ही डज, शी डज, इट डज, ठीक है, ही डज, शी डज, इट डज। तो इस तरह से जब उनको बोलेंगे तो थोड़ा सा मेमोराइज रहेगा, उनको याद रहेगा और सेंटेंसेस में उनको यूज करना आएगा। इसके अलावा सिंगुलर नाउन, यानी सिर्फ एक पर्सन की जब बात होगी या किसी एक ऑब्जेक्ट की बात होगी, किसी एक एनिमल की बात होगी, सिर्फ वन एंड ओनली वन, सिर्फ एक चीज की जब बात होगी तो वहां पर हमारा डज यूज होगा। तो आई होप ये इतना जो चार्ट हमारा बना हुआ है अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा।
और बच्चों को किस तरह से बोलना है, ओरली किस तरह से बताना है, वो भी मैंने अभी आपको बताया है। नेक्स्ट, जब भी हम बच्चों को फ्लिंदा ब्लैंक्स की फॉर्म में कोई भी वर्कशीट बनाने के लिए देते हैं, तो हम जनरली क्या करते हैं कि सेंटेंस लिख दिए और बच्चों को बोल दिया कि इसमें ही और डज आप फिल करिए। ऐसा हमें नहीं करना है। बच्चों को बहुत इजीली पहले एक डू या फिर डज, एक चीज को क्लियर करा के चलना है। जैसे कि मैंने पेज में यहाँ पे ऊपर डज लिख दिया, तो बच्चा देख के समझ जाएगा कि हमें जो क्वेश्चन जो है उसमें जो फिलिंदा ब्लैंक्स करने हैं उसमें डज लिखना है। राइट हैंड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन। तो थोड़ा सा बच्चे को ये भी मेमोराइज होगा जब बार बार उसको देखेगा कि ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ हमारा डज यूज होता है। ठीक है, तो हमें बच्चों को बहुत फोर्स करके ऐसे कुछ नहीं समझाना है, बहुत इजी वे में चलेंगे। और कभी भी बच्चों को स्टार्टिंग में पहले से ही फिलिंदा ब्लैंक्स, क्योंकि हर कोई बच्चा बहुत ज्यादा स्मार्ट बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता है, हम एक एवरेज बच्चे को लेके मैंने ये वीडियो बनाया है कि किस तरह से बच्चे इजीली आसानी से समझ पाएंगे। तो शी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शी लिखा हुआ है ना, और शी के साथ हमें क्या यूज करना है, डज यूज करना है। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, शी डज हर वर्क केयरफुली। ठीक है, अगर हम चाहते तो यहाँ फिलिंदा ब्लैंक्स की फॉर्म में बच्चे को दे सकते थे, बट हमें उनको अभी बहुत ज्यादा परेशान नहीं करना है, बच्चों को उनको समझाने की फॉर्म में ही करना है। नेक्स्ट, अब ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें क्या है, हम बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं या किसी से भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं। डज ही लाइक पिज्जा, तो आपने देख लिया ही से पहले फिलिंदा ब्लैंक था और ही हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यानी ही के साथ क्या यूज होता है, हमारा डज यूज होता है। तो एक ही कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर रहे हैं पहले, बाद में जब हम इन्हें मिक्सअप करेंगे तो थोड़ा सा मेमोराइज रहेगा कि हाँ यहाँ पर हमें क्या करना था। हाउ डज ही डू दैट, जॉन डज नॉट लाइक स्नेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जॉन क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिर्फ एक पर्सन की यहाँ पे हमारी बात हो रही है। अब यहाँ पर हम कौन से फिलिंदा ब्लैंक्स के बारे में पढ़ेंगे, डू के बारे में। यहाँ पे हमने राइट हैंड पे लिख दिया है डू किस किस के साथ यूज होता है, आई यू वी दे एंड प्लूरल नाउन के साथ। आई डू लव दिस गेम, आई वॉन्ट टू डू माई बेस्ट इन दिस रेस। डू यू हैव अ पेट, वेयर डू यू लिव। ठीक है, तो जनरली स्टार्टिंग में बच्चों को फिलिंदा ब्लैंक्स की फॉर्म में ही फिल करने के लिए बोला जाता है, तो इस तरह से यहाँ पर हम डू का यूज कर रहे हैं, आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन के साथ। अब बात आती है हमारी नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में भी नॉट यूज होता है, एक बात तो नॉट की है कि नॉट यूज होगा, तो डू नॉट को हम डोंट इस तरह से भी लिखते हैं। तो चाहे डू नॉट लिखे चाहे डोंट लिखे, बात एक ही है, बट शॉर्ट में इस तरह से लिखा जाता है। और डू वाला कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे फॉलो होगा, आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन के साथ हमारा डू नॉट यूज होगा। दे डोंट लाइक स्नेक्स, ठीक है ना, तो दे क्या है हमारा प्लूरल है, तो दे के साथ हम क्या यूज करते हैं, डू यूज करते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस हमें बनाना है तो हमने क्या लिखा है, डोंट, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द जिम, वी डोंट वेस्ट फूड। तो ये सब हमारे क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। अब देखेंगे हम डज नॉट, डज नॉट को और क्या बोलते हैं, डजेंट। तो नेगेटिव सेंटेंसेस हम यहाँ पे बनाएंगे, तो डजेंट में भी हमारा ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन यूज होगा। जॉन सिंगुलर नाउन है, जॉन डजेंट स्पीक इंग्लिश, शी डजेंट लाइक मीट, इट डजेंट रेन मच इन समर। अब यहाँ पे देखिए, अब तक का कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों को, तो वो इसको बहुत इजीली कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे उनको बोलना है कि डू एंड डज, आपको खुद फाइंड करना है कि कहाँ पर आपको डू लिखना है और कहाँ पर आपको डज लिखना है। तो अगर
बच्चे ने अच्छे से समझा है और उसको याद है चीजें, तो वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, डू या फिर डज। तो वी के साथ हम यूज करते हैं डू। दैट, दिस एंड दैट दोनों को ही सिंगुलर माना जाता है। पहले की मैंने काफी वीडियोस में बताया हुआ है, अगर आपने देखी है तो दिस एंड दैट के साथ हमारा डज यूज होगा और दीज एंड दो के साथ डू यूज होगा। तो दैट डज नॉट लुक फन। टॉम एंड जेरी दो पर्सन हो गए, प्लूरल नाउन हो गया, तो डू यूज होगा। ही डज अ गुड जॉब क्लीनिंग हिज रूम। लीजा सिंगुलर नाउन है, पर्सन है। लीजा डज नॉट स्पीक फ्रेंच। अब ये डोंट एंड डजंट की वर्कशीट है। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो आप जरूर इसको पूरा फिल कर पाएंगे, आंसर सही से दे पाएंगे। तो आप खुद से इसको ट्राई कीजिएगा बाद में। अभी कुछ और क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह से करना है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। डैश यू वॉन्ट टू पेंट, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें डू या डज सिमिलर, उसी तरह से जो भी अब तक हमने पढ़ा है उसी फॉर्म में आएगा कि आई वी यू दे इन सब के साथ डू यूज होगा और प्लूरल नाउन के साथ डू यूज होगा और ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ हमारा डज का यूज होगा। डू यू वॉन्ट टू पेंट। डैश केट कॉल टू हिम, केट कौन है, गर्ल का नेम है, तो ये सिंगुलर नाउन है तो डज आएगा। ये अगेन वही क्वेश्चन आ गया सेम। डैश जॉन एंड मार्क कुक, तो जॉन एंड मार्क प्लूरल नाउन हो गया, दो पर्सन हो गए, तो हमारा क्या यूज होगा यहाँ पे, डू। फिल द ब्लैंक्स यूजिंग डू एंड डज। अब यहाँ पे आप राइट हैंड पे देख सकते हैं, यस आई, इसके आगे भी फिल द ब्लैंक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आंसर में आपको फिल करना है डू या डज। तो देखते हैं ये किस तरह से करना है। फर्स्ट नंबर का पढ़ते हैं पहले। डैश यू लव मी, डू यू लव मी, जैसे बच्चे पूछते हैं आप मुझे प्यार करते हो ना, डू यू लव मी, तो हम बोलते हैं यस आई डू। आई के साथ क्या यूज होगा, डू। डैश ही गो फिशिंग, डज डज ही गो फिशिंग, तो इसका आंसर यस या नो कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए नो है इसका आंसर, तो नो ही डजंट, यहाँ पे डजंट आएगा। इस तरह से डैश केट कॉल टू हिम, डज यस ही डज, उसने करा है। तो अगर यस आंसर है तो डज होगा, अगर नो होगा तो हमारा आंसर डजेंट होगा। डैश डू वी गो शॉपिंग, यस वी डू। डज मैक्स ड्राइव अ कार, नो ही डजेंट, या फिर डज नॉट, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।